चार लाइन गाने की भूमिका है साथियों, लिखे है कवि जी क्या, धन के आगोश में है धर्म रो रहा, खो रहा आज मान है अपनी मानवता, स्वार्थ का भूत सर पे अब चढ़ ही गया, अरे हुई आज यहाँ भी यहाँ है दानवता, डोली के साथ ही होली जल जाती है, तो डोली के साथ होली ही जल जाती है, चढ़ रही है चिता पे बहन बेटी रोके, साथ में क्या जमी लेके जाओगे तू, क्या मिलेगा तुझे आबरू अपनी खोके। देखे गजल का नमूना बा जो हमारे मास्टर बजावत हवन। बुलबुले हम सभी सर जमी के, बुलबुले सर जमी के सताए हुए, सर जमी के सताए हुए हैं, आज ही हमने बदला था चोला, आज ही हमने बदला था चोला, आज ही हम नहाए हुए सुंदर भाव कभी लिखे हैं क्या, कि दाव पे हार जाते हो जीवन, दाव पे हार जाते हो जीवन, कि ऐसे पागल जुआरी हुए, ऐसे पागल जुआरी हुए हैं, तो प्रीत मिलती न पैसे से जग में हो, 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 प्रीत बिन हम भिखारी हुए, यहां से कहानी की शुरुआत कवि दहलेवन का, कि जलता वतन है आज ये पैसे की आग में, अरे जलता वतन है आज ये पैसे की आग में, लिखे हो क्या तू ईश्वर वतन के भाग में, गांधी और राजा राम को फिर आना पड़ेगा, दहेज की सी आग को बुझाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश प्रांत रुद्रपुर के निवासी, उत्तर प्रदेश प्रांत रुद्रपुर के निवासी, रहते थे शिव कुमार थी एक दिल में उदासी,
अरे गोदी में मुन्नी बेटी एक दुलारा ना रहा, बुढ़ौती में बाबूजी का सहारा ना रहा। बिटिया की शादी करने को सारंगीपुर में आए, मुकेश साथ मुन्नी का जब ब्याह रचाए। शुभ लग्न पर बरात जब की द्वार पे आई, खुशी हुए हैं लोग बजी प्रेम सहनाई। पहले बात के समझ लें तो गाना भी समझने में आसानी हुई। उत्तर प्रदेश रुद्रपुर शिव कुमार, हाँ शिव कुमार का एक लड़की जो उन्हें नाम रहल मुन्नी। मुन्नी के शादी साथियों मुकेश से करते हैं, और जब शादी तय हो गई बारात आ गई मुन्नी के, शिव कुमार राजी खुशी से बिटिया कर। अब जौन बा यहाँ विदाई करत हो तो बड़ा विदाई के बिछो भाव बा, यहाँ एक तर्ज बा, आई तर्ज का नमूना वह बा का। अब बहिन बा नरमी उमरिया हो तेरे बजा दे मास्टर, एक पट्टी पर बजाओ। यह बा कि अब ही बा नरमी उमरिया हो, आय हाय करे खातिर बा ई गीता त्यागी बलावत हई बा। इनहु कुमरिया बहिन कहाँ छे गीता त्यागी के, यही लिए कहत हई तनी हमार उमरिया ढेर बा, तो यही लिए नरमी उमरिया इनका कांची उमरिया गीता का, तो यही लिए बचा खोजा के तनी कमवा हम गनवा में करत हई कैसे। कि अरे अबही बा नरमी उमरिया हो, अबही बा नरमी उमरिया हो, अब उमरिया हो क्रिया ले लमाल। अबही बा नरमी उमरिया हो, अब उमरिया हो क्रिया ले लमाल। अबही बा नरमी उमरिया हो, अब उमरिया हो क्रिया ले लमाल। अरे जनी खींचा हमारी अचरिया हो, जनी खींचा हमारी अचरिया हो, अब अचरिया हो क्रिया ले लपाल। आज बिटिया मुन्नी के जब विदाई होत बा तब माई बिटिया के अखबारी में पकड़ के रोवत ही देखे साथियों। नैहर में बड़ा जब बिटियन के विदाई होले तो बड़ा दुखित वातावरण होता है। कवि लिखलन कि रोवा माई बरिस नजरिया हो, रोवा माई बरिस नजरिया हो, अब नजरिया हो सपना भइल बिटिया। अरे रख लिया, अरे रख लिया बाबू के पगरिया हो, रख लिया बाबू के पगरिया हो, अब पगरिया हो सपना भइल बिटिया। कि अरे भइल विदाई बेटी अइल ससुरामा, भइल विदाई बेटी अइल ससुरामा, खुशी खुशी बीत गई ना बाबू कुछ दिनवा, खुशी खुशी बीत गई ना बाबू कुछ दिनवा, खुशी खुशी बीत गई ना बाबू कुछ दिनवा। अरे छुट्टी आई ना बाबू जी अनहरिया हो, अब अनहरिया हो सपना भइल बिटिया। शिव कुमार के बिटिया मुन्नी मुकेश के घर चली गई ससुराल साथियों। धीरे धीरे एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन शिवकुमार बाबू उस समय मिलिट्री में फौज में काम करते थे, फौज के जवान थे। और कुछ दिन के बाद इनकी नौकरी जब पूरी होना चाहिए साथियों, और जब घर पर आते हैं एक दिन इनकी पत्नी कहली कि बिटिया का हाल चाल ले बदे, तनि बिटिया के घरे जा, कैसे बेटी है कैसे नहीं बा। आय हाय अब छुट्टी सही ले के बाद शिव कुमार बिटिया का हाल चाल ले बदे अपनी बेटी के घरे पहुँचलन है। और जब बेटी घरे पहुँचलन तो देखें होत का बा कि पत्नी की बात को मान लिए, अरे पत्नी की बात को मान लिए बिटिया की द्वारी आए हैं। तब देख के हालत बेटी की आंखों से अश्क बहाए हैं। वहाँ कमीना सब ससुराल में बेटी मुन्नी के दहेज के लिए, पैसे के लिए साथियों बड़ा परेशान करते थे, बड़ा तंग करते थे। बिटिया का हालत जब देखलन है आँख से झरझर झरझर बाबू के आंसू चलत बा, झट सब्र धरा बाबू बोले
झट सब्र धरा। बाबू बोले बेटी मत आंस बहाओ तू, क्या दुख है तेरे अंदर हमको साफ साफ बतलाओ तू। हाय हाय अपनी बेटी का सब व्यथा सुने लगलन है। और का सुनत हम एक थे यहाँ जोन बा तर्ज है बा क्लासिकल तर्ज बा जो उनकी अनहरिया बिता के अजोरे में रही हो। अरे अनहरिया बिता के अरे अजोरे में आई हाँ अनहरिया बिता के अजोरे में आई हाँ। धीरे से किली खोल धीरे से किली खोल गई सिकरी बजाई हा धीरे से किली खोल गई ससुराल वाले आज बाबूजी के लड़की के सामने ही एक बात कहा था उनका कि अरे दूसरे बेरी जब की दुहारी पे आई हा बहाना जनी करी हा। अरे तू रुपया दे जाई हा बहाना जनी करी हा। साथियों आइलन है बाबूजी अपने घरे अपने पत्नी से बतौले की बिटिया बड़ी दुख में बा ओकर व्यथा देखल ना जात बा। ससुराल वाले ओके बड़ा तंग करत हवन। हमसे वादा कैलन सब कि दूसरे बार जब यहाँ तो अपने सर्विस का सब रुपया हम लोग उनके लिया करके दे दीजिएगा, वरना ऐसे लड़की ना रही हमारे यहाँ। आहा बाबू जब ये बात सुनलन है तो अलन घरे बतावत हूँ अपने पत्नी से लिखलन कवि टेरी में कहा कि अरे विपतिया कैसे सह बिटिया कि अरे विपतिया कैसे सह बिटिया अरे बाबू समझावा माई का फाटा छतिया। एक तर्जबा ई तर्जबा होबा कि ताला खोल दे मास्टर तन बजा देबा। यह बा जौन हमारे मास्टर बजा देलन तो ई तर्जबा हम फिट कैले हैं गीता त्यागी पर। ये लिए कि इनके मकान में गीता त्यागी के ढेर दरवाजा बा। गीता त्यागी के कुल दरवाजा में अलग अलग ताला लगल है तो वो कुल ताला एक चाबी से खुलेला और वो चाबी हमारे पास है। कहो मुलचंद मास्टर तो वो चाबी बा कैसे यह कहले बाटी का। तो एक दिन जौन बा गीता त्यागी अपने मन सेधु से कहत रहलिन तो हम सुनली का कि अरे ताला खोल दे कि ताला खोल दे अरे ताला खोल दे चाबी से वो परदेसी साजना रे ताला खोल दे अरे बंसी प्यार की बजा दे वो परदेसी सजना रे ताला खोल दे चाबी से वो परदेसी सजना रे ताला खोल दे या भाव कभी दहलन का कि बाबू खुश हुए देखे जब बेटा का मुहावारे बाबू खुश हुए
भाव बड़ा सुंदर कवि धैले बटन क्या बाबा वो हर मुन्नी के ससुराल वाले सोचते थे कि हमारे ससुर के जोन बा हमारे ससुर के शिव कुमार के कौनो संतान न बेटवा ना यह लड़की है बा मुन्नी और हमारे घर है तो इनकर जितना सर्विस के रुपया पैसा धन दौलत खेती बाड़ी महल अटारी बा सब हमहन के हो जाई लेकिन यह बाबू शिव कुमार के भगवान का मर्जी कि एक थे पुत्र रत्न के प्राप्ति बहुत दिन के बाद भेल आज जब पुत्र रत्न के प्राप्ति भेल है बार भगवान के मर्जी बड़ा खुश समा शिव कुमार हमारे गोदी में एक फूल खिल गए का भेल हाँ धन प्रभु तू किसी को भी धन प्रभु तू किसी को भी दिला दे सुखावा धन प्रभु तू किसी को भी दिला दे सुखावा रे बाबू खुश हुए देखे जब बेटा का मुंह हमारे बाबू खुश हुए धीरे लड़िकवा एक महीना का हो गल शिव कुमार के तब कि बीतल एक मास नारी कहली चेताई अरे बिटिया के दे दा जा खबरिया पठाई दे दा रुपया वो राई जाई दो कर दुखावा रे बाबू खुश हुए देखे जब बेटा का मुंह हमारे बाबू खुश हुए मतारी कहलीन अपने पति से मतारी जोन बा पत्नी उनकर शिव कुमार के कहलीन कि एक काम करा कि शिव कुमार से कि बिटिया मुन्नी के यहाँ जितना रुपया पैसा धन दौलत उसे मांगत हो जाकर के दे दा हमहन का सब धन दौलत हमारी बेटवा है यह हमके मिल गल आय हाय ले करके बाबू 50,000 रुपया और अपनी बिटिया के ससुराल रुपया देव बदे जात हन लेकिन उधर जोन बा उन सबन के खबर मिल चुकल रहल कि ये मुन्नी का एक छोटा भाई भी पैदा हो चुकल बा उन सबन के दिल में मुकेश ओकर पति जवन रहल ओकरे दिल में जवन बा दूसरी भावना पैदा हो गई कि अबले तो लालच रहल कि सब धन दौलत एकरे नैहर के हमार होई लेकिन एकर भाई जब एक पैदा हो गल तब तो वही कहो हमारे घरे मुन्नी अब रह करके करी का तनी देखें वो हर का हालत ही बा यार बाबू जोन बा 50,000 रुपया लेकर के और अपनी बिटिया के यहाँ ससुराल में देव बजे दहेज के तौर पर जात हवन एक ठे तर्ज लगत तनी बढ़ के दा मास्टर तर्जवा उह बा कि अरे नानदू ककारिया रखवाली हो राम उड़ जाई है मारा फारी हो राम उड़ जाई है कमानी के कहनवा हो राम चली भैले लेके धनवा हो राम चली भैले तो हवर मुन्नी पया गई बिपतिया सोचे बेईमान नहीं मिली दौलतिया बेईमनवा हो राम चली भैले लेके धनवा हो राम चली भैले पुत्र की खबर पाते ही वो सब ससुराल वाले सोच लिए कि अब तो इसका पिता धन नहीं मिलेगा सब उसके लड़के का हो जाएगा इसलिए मुन्नी को साथियों मार डालने की योजना बनाते हैं। एक दिन उसका पति मुकेश पहुंचा है और जा करके अपने दरवाजा बंद करके और अपने पत्नी मुन्नी को जब जान से मारने की योजना बनाता है आहा अपने पति के चरण पर गिर कर बेचारी मुन्नी रो रो करके एक बात कहती है यहाँ करुण रस का भाव का कि अरे स्वामी का प्यारा धाई के अरे रोवे मुन्नी घरावा में कि अरे जीवन दान दे दाया जा भिखियाए स्वामी जी
भैया का मुहावा दिखाई देवा सजाना हो। अरे झर झर बारी सतबाया खियाए स्वामी जी। स्वामी हमार जान मार दा, लेकिन हमारे बाबू के हमारे एक भाई जोन बा पैदा बा, तनी भाई के मुंह दिखा देता कैसे हमार छोटका भैया बा। एकरे बाद हमार जान मार दा स्वामी, और कोनो ललसा ना बा। लेकिन वह नीच कमीना मुकेश देखे किया क्या आज, कि प्रीतिया से बढ़ा नहीं धन का कीमतिया हो। अरे तू ही मोरे जीवन का संगतिया आए स्वामी जी। रो रो करके वो अबला इतना तक कहती है, लेकिन वह नीच उस अपने घर में ही किया क्या साथियों, कि गर्दन दबाई दिहलस जिनगी मेटाई दिहलस, कि अरे लुटी लिहलस बाबू जी का थती आए स्वामी। साथियों रातों रात मार कर उसके जान से गर्दन दबा कर मार दिए उस अबला को, मुन्नी को बिचारी के। अब पूरे परिवार के मिलकर सब लाश को रातों रात गांव के बगल में नदी थी, उसी नदी में लाश को बहवा दिए साथियों। और जब लाश बहवा दिए तब कभी हाँ भाव दलन धीरे धीरे सवेरा भैल हो। और जब दूसरे दिन बाबू अपनी बिटिया का हाल चाल लेव बदे 50,000 रुपया लेकर के ससुराल में देव बदे जब पहुँचलन है बाबू, वो समय का हाल बका, अरे सपना भैलू रोवा बाबू सानी बिटिया रानी हो, आ छोरी के भगलू जहिया मिलन सानी बिटिया रानी हो। गांव वाले बतौले कि तुहरे बिटिया मुन्नी ये दुनिया में ना बा, ओके सब रात कर मार करके जान से लाश के नदी में बहवा दिले बाटन सब। हाय हाय रोवे लगलन बाबू, त जान की बाजी लगावतन कहा महू लाज बचवली हो, आ घर का दौलत दुनिया में हम अपनी आज गंवली हो, अरे हुआ दमाद अपना ही आज गुमानी बिटिया रानी हो, आ चले न देवो ये कर मनमानी बिटिया रानी हो। कुमार प्रतिज्ञा कर लिए कि बिटिया के जान सब ले लहलन, लेकिन आज एकर बदला हम कैसे चुकाई, समाज से लड़ब, इन्हन से लड़ब, समाज के दिखाई का कैले हैं। शिव कुमार जी आल्हा का प्रमाण बा, कैसे कि अरे बिटिया कहा लजबा, अरे बिटिया कहा लजबा, अरे जनली मतरिया ये भैया गिरली जमीनिया पर खाई के पछा। कवन बिगाड़ हमा तोहरा के कैली भगवान, ये कवर छव वाला ये कवर बिहला तू बेटी कही के रामा, बेटी बेटी कही के पीते लगली अपन छतिया ये बबुआ। दिन रात रोवा लगली कई कई के चिघारा, रो के समझावे शिवपू महर तवन छनवा ये भैया।
बहुआ पकड़ के सिंपू मार रोवे लगल बबुआ हो होशियार काहे बनला गवार शिव कुमार गए हैं थाने में और जाकर के थाने में FIR कैलन अपने बिटिया के प्रति साथियों वो सब पकड़ लिए गए पकड़कर सजा कटलन सब और सजा काट के जब एलन है तो फिर शादी की तैयारी के लिए बाटन सब मुकेश कहाँ सुमेर सिंह के घरे सुमेर सिंह मझौली गांव में लेकिन जानकारी जब भइल है शिव भाई साहब जब जानकारी भइल बा शिव कुमार के जा करके पैर पकड़ के रोवे लगलन कि हमरे बिटिया कई सब हत्यारा हम तोहरे बिटिया के भी जान से मार दिया सब छोड़ियन सना लेकिन बाबू कहलक हट जो हट हमार बिटिया के मार दिन सब हम अपने बिटिया का शादी करब चंपा का शादी करब लेकिन जब चंपा के बात के जानकारी भइल है तो अपने बाबू का पैर पकड़ के कहला कि बाबू कि अरे चंपा बेटी कह बाबू मान जा बचनिया कि अरे भेजा जा ना पापी घरे डोलिया हमार अरे मान नहीं बात चंपा रोवत तवन छनवा अरे यार थी उठावे बद हो जा तैयार अरे खाई के जहर मरी गईली भवनिया अरे रोव शिव कुमार बाबू असुआ के ढार चंपा कहला बाबू उनन के घरे न जा अगर उन समन के घरे जाए कि कहबा शादी करबा तो हमके जीवत ना पाईबा और बेचारी चंपा जवन बा जहर खा करके मर जाती है साथियों और जब जहर खा करके मर गई है शिव कुमार रोवत हमन का सोच के ये बात के सोच करके अरे रोवा बेटी चंपा तू बचवा लू पनिया आ तू है झांसी वाली रनिया जान ले दुनिया शिव कुमार गुस्सा में आग बबूला होके कैलन का कि हथवा में लिहल बंदूकिया उठाई असमधि दमाद ऊपर गोली दिए चलाई दहेज वाली कीमत का चुका वाला सनिया आ तू है झांसी वाली रनिया जान ले दुनिया अपना पहला दमाद जो था मुकेश को गोली मार दिए उसके पिता को गोली मार दिए ये चंपा का हत्यारा ये सब हैं मेरी बिटिया मुन्नी के हत्यारा हैं गोली मार के बदला चुका लेलन एक बात कवि के लिखे प्रका कि ये तना तू चेता भैया तो के चेताई दुष्ट का पीड़ितिया सदा ही दुखदाई बतिया चेता के गईले ज्ञानी धनिया तो कवि लास्ट में अपना परिचय देते हुए लिखे हैं क्या जयंती कैसेट कंपनी में कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल की धरती चंद्रिका बिन सुन चमन ये आंखें सदा बरसती अरे बिपतिया कैसे सही बिटिया अरे बेचर राम निवास की ज्ञान बरी है बतिया बिपतिया कैसे सही बेचर